साध संगत 1699 ईस्वी की विसाखी अज दे दिन हजूर ने स्टेज उत्ते आके एक अनोखी चीज की मंग की। देखो कदे ये चीज़ां जोड़ के इतिहास विचों छेवें पातशाह प्रशाद भेटा के अंदर कल्ले साध संगत रुमाले दुशाले कपड़ा अनाज इन्हां तो इलावा कहंदे ने मैनूं शस्त्र की भेटा चाहिए। जदों वक्त 10वें पातशाह दा आया अज दे दिन हजूर ने बड़ी अनोखी भेटा की मंग की। साहब ने कहा अज तक रुमाले दुशाले अनाज भेटा करन वाले हो तुसीं शस्त्र भेंट करते रहे, अज मैं सिखां कोलों एक भेटा मंगणी है। अज भेटा शस्त्रां दी नहीं, शस्त्र पहनण वाले हो अज मैनूं सिर की भेटा चाहिए। सब हैरान हो गए, महाराज शस्त्रां तक तां ठीक सी पर सिर की भेटा ते गल ही अनोखी है। जदों हजूर ने 80,000 के इकट्ठ विच पहले सिर की मंग की, एक सिख ने उठ के हथ जोड़ के सिर झुका दिता। पातशाह पूछते ने सीस दे सकने? महाराज सीस हाजिर है। की नाम है बई? उन्हें कहा जी मेरा नाम भाई दया राम। पातशाह पूछते ने कितों आए? हथ जोड़ के महाराज मैं लाहौर की धरती तो आए। कलगीधर पातशाह बड़े प्रसन्न होए, कहन लगे लाहौर की धरती ते भी दया पैदा हो गई। हजूर अंदर लै गए। इतिहास कहता सीस वढ़ दिता गया, लोहू नाल लथपथ शमशीर लैके पातशाह फिर बाहर आए। उच्ची आवाज में कहा मैनू एक सिर की भेटा होर चाहिए। हुण 2 नंबर ते सिर देना बहुत औखा सी। तुसी कहोगे 1 नंबर ते सिर देना सौखा ते 2 ते औखा क्यों? क्योंकि साध संगत पहला सीस देण लग्या हो सकता किसी के मन में होवे एवें गुरु ने सिर मंगिया किहड़ा वड्डण लग्या। पर साध संगत जदों सिर वढ़ के शमशीर लहू नाल लथपथ बाहर आए होणगे उदों तां सब बैठियां दे अंदर भरम मुक गया होना। जे पहले दा सिर वढ़ दिता दूजा वढाउण लई किवें तैयार होया। साध संगत दूजा सीस देना बहुत औखा सी पर गुरु दा एक सिख उठ खलोता, हथ जोड़ के जी मेरा सीस प्रवान करो। साहिब पुछदे नाम की है? जी मेरा नाम धर्मचंद। कित्थों आए हैं? हथ जोड़ के जी मैं हस्तिनापुर दिल्ली तो आया। हुण दुम शहरां ते दुमा नामां दा इतिहास सुनियो। मैं संकेप विच कहणे नूं ध्यान नाल सुनियो। पहला नाम भाई दया राम। धर्म चलाउण वास्ते दया अत्यंत जरूरी है। दया तो बगैर धर्म पैदा नहीं हुंदा। साध संगत जिथे दया ना होवे उत्थे धर्म कदे नहीं हो सकदा। ये गल गुरु नानक साहब महाराज ने कह दित्ती सी। तुसीं रोज़ पढ़दे हो, अज भी पढ़ के आए हो। जिथे साहब कहते ने तौल धर्म दया का पूत, भाई धर्म दया का पुत्र है। जे दया नहीं तो धर्म हो नहीं सकता। तौल धर्म दया का पूत, पढ़ो संतोख थाप रखिया जिन सूत। एक बार पढ़ो तुहानू याद रहेगा। तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन। गज के को तौल धर्म दया का, संतोख थाप रखिया जिन। दया तो धर्म पैदा हुंदा है। जे दया नहीं धर्म कदे नहीं। ये गल तुसीं याद रखियो। जिहड़ा बंदा किसी के दुखों में खुश हो रहा है वह बंदा कदे धर्मी नहीं हो सकता। जिहड़ा गुआंढी के दुख में खुशी मनाउंदा है, माफ करियो किन्ने भी पाठ कराउंदा फिरे, उहनूं गुरु कदे धार्मिक होण दा दर्जा नहीं देणगे। धर्मी वह बंदा है जिहदे अंदर दुख वेख के दिल पिघल जाए। किसी का दुख वेख के तुहानूं दया आ जाए। जे किसी के दुख में खुश हो रहे हो फिर तुसीं धर्मी अखवाउण दे हकदार नहीं। पर माफ करियो अज बंदा कुदरती तौर ते ये दुनिया का निजाम इदां दा बन गया। अज दा बंदा अपने दुखों तो इन्ना दुखी नहीं जिन्ना गुआंढी दे सुखों तो दुखी हो रहा। वो क्यों सुखी क्यों बैठे? जे किसी दे सुखों विच दुखी हो, किसी दे दुख विच खुश हो रहे हो, तुसीं धर्मी नहीं। धर्म दया तो पैदा हुंदा है। हजूर ने कहा दया जरूरी सी मेरे पंथ लई आ दया राम, पर जिहड़ी धरती तो तू आया उत्थों बड़ी मुश्किल नाल दया पैदा हुई है। महाराज मुश्किल नाल क्यों? हजूर ने कहा लाहौर दया तो खाली है। इतिहास पढ़ियो। लाहौर दे अंदर सब तो वध शहादतां हुई। लाहौर दे अंदर सब तो वध जुल्म होए। निक्के निक्के बच्चों के टुटे करके मामा के गलों च पाए लाहौर की धरती ते। साध संगत बंद बंद कटिया लाहौर की धरती ते तत्ती तवी ते बिठा के शहीद किया गुरु अर्जन देव महाराज नूं लाहौर की धरती ते। सब तो वध शहीदियां लाहौर की धरती ते। जदों गुरु नानक साहब महाराज लाहौर गए सी ना, उदों पातशाह ने कहा मरदानिया रात नहीं रहना लाहौर। हजूर तो पूछा महाराज क्यों? कहते लाहौर जहर का घर है। ये गल गुरु नानक साहब महाराज ने कह दी। श्लोक महला पहला, लाहौर शहर जहर कहर सवा पहर। ते साध संगत पर गुरु नानक साहब तो पूछा मरदाने महाराज जे शहर जहर का घर है फिर आप आए क्यों? महाराज इस शहर में क्यों आना सी? कहते भाई दया का बीज बीजना सी। देखी मरदानिया, एक दिन दया का फल उगना। इथों गुरु नानक साहब के चरण पे, गुरु अमर दास महाराज के चरण पे, गुरु राम दास महाराज का प्रकाश लाहौर होया, गुरु अर्जन देव महाराज की शहादत लाहौर हुई, छेवें पातशाह के चरण लाहौर पे। एक दिन वक्त आया फिर लाहौर की धरती तो दया पैदा हुई। भाई दया राम लाहौर तो आके सीस दिंदे ने। दूजा सीस दिल्ली की धरती तो धर्मचंद साहब ने कहा बड़ी मुश्किल नाल दिल्लियों धर्म पैदा होया। दिल्ली की धरती ते अज तक धर्म नहीं रहा। हिंदुस्तान के तखत ते दिल्ली ते जो भी बैठे वह बंदा अपना धर्म गुआ के तखत ते बैठे। क्यों साध संगत? जिन्ने राजे बैठे, जे जहांगीर बहिंदा वो अपने दा कतल करके बहिंदा, जे शाहजहां बहिंदा अपने दा कतल करके दिल्ली दे तखत ते बहिंदा, जे औरंगजेब तखत ते बैठा अपनी सगी भैन भरा दा कतल किया, अपने प्यो शाहजहां नूं भुखा ते प्यासा आगरे दे किले च मार दिता। इन्ने धर्म तो सखने बंदे दिल्ली विच रहे। माफ करियो, ये दिल्ली दे तखत दा इतिहास अज तक रहा है। जेड़े बंदे दिल्ली दे तखत ते शब्द तो सखने बैठे ने वो बंदियां दे अंदर कदे धर्म नहीं रहा। मैनू माफ करियो, अज भी की तुसी महसूस करदे हो कि दिल्ली दे तखत ते बैठा अज भी हिंदुस्तान दा राजा? साध संगत, वो बंदा धर्मी अखवाउण दा हकदार नहीं। जेड़े बंदे दे मत्थे ते 200 तो वध किसानां दी मौत दा दोष होवे, वो बंदा धर्मी किवें हो सकदा? 200 तो वध किसान शहीद हो गए ने, अज तक उहदे दिल अंदर दया नहीं। इहदा मतलब बंदा धर्मी नहीं है। साध संगत, ये ठीक है दाढ़ी वधा के भगवा भेग पा के कही जावे मैं धर्मी है, अयोध्या दा मंदिर बना के कवे लोग मैनू भगवान मोदी कहण, पर साध संगत बंदा धर्मी नहीं हो सकदा। क्योंकि किसी दे एक पुत मर जाए तो लोकां नू दया आउंदी है, ये अधर्मी बंदे दी निशानी है, उहदे अंदर धर्म नहीं। इन्ने किसानां दी मौत हो गई, दिल विच पूरी दया नहीं। मैं रात भी एक दिवान में गया, 26 जनवरी में एक नौजवान दे गोली लगी, तुसीं वेख्या ट्रैक्टर पलट के उहदी मौत हो। जदों गोली वजी साध संगत, मैनू माफ करियो, वो नौजवान नवनीत सिंह जिहदे गोली लग के 26 जनवरी नूं दिल्ली की धरती ते उहदी शहीदी होई, उहदा विआह होया अजे 17 दिन होए सी। साध संगत, जिस बच्ची दे हत्थां दी मेहंदी भी फिक्की ना पई होवे, ਉਹਦੇ घर वाले नूं गोली मार के कोई शहीद कर दे तां भी हुक्मरानां दे दिल विच दया नहीं। इहदा मतलब दिल्ली दे तखत ते बैठे बंदे कदे धर्मी नहीं हो सकदे। खैर, दिल्ली दी धरती धर्म तो सखणी रही, पर उस धरती तो गुरु ने किरपा करके धर्म पैदा किया। पता किवें? उस धरती ते गुरु हर कृष्ण साहब दे चरण पए, उस धरती ते गुरु तेग बहादुर महाराज की शहादत होई, और सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज की शहादत तो बाद साध संगत 24 सालों बाद दिल्ली तो धर्म पैदा होया। 1699 नूं भाई धर्म चंद आके सीस दिंदे। तीजा सीस गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने मंगिया। एक सिख उठ के हाथ जोड़ के आया, मेरा सीस हाजर है। पातशाह बोले भी नाम की है? जी हिम्मत राय। हजूर खुश होके बोले धर्म चलाउण लई हिम्मत चाहीदी सी, मेरे पंथ नूं हिम्मत दी लोड़ सी, आ हिम्मत राय ये तां दस कित्थों आया? हाथ जोड़ के आ जी मैं जगन्नाथपुरी तो आया। कलगीधर पातशाह कहंदे ने वाह, गुरु नानक दे चरण पए ने, जगन्नाथपुरी तो भी हिम्मत पैदा हो गई। कदे जगन्नाथपुरी दा इतिहास पढ़िओ, उत्थे पातशाह दा अज भी गुरुद्वारा आरती साहब। साध संगत, उत्थे कृष्ण दी एक मूर्ति है, उस मूर्ति दीआं बाहां नहीं। उहदा इतिहास कारीगरां दे देवते विश्वकर्मा नाल जुड़े। उत्थों दे राजे ने भगती करके विश्वकर्मा दे कोलों मूर्ति बनवाई, ते राजे दी मूर्ति मंग मन के विश्वकर्मा ने मूर्ति बनानी शुरू की, नाल शर्त रखी जदों तक मूर्ति बन नहीं जाती कोई दर्शन नहीं करेगा। राजे ने शर्त तो मन ली पर अपने वचन तो मुकर गया। वो मन च आया जिदन मूर्ति बन गई सब ने वेख लेनी है मैं राजा कादा होया। उन्हें साथ संगत अद्धी रात नूं पर्दा चुक के चोरी मूर्ति वेख लई। उस तों बाद विश्वकर्मा ने मूर्ति अगे नहीं बनाई। अज तक जगन्नाथपुरी दे मंदिर विच बिना बाहवां तो मूर्ति पई है। जिस बंदे दीयां बाहवां ना होण ओदी हिम्मत नहीं हुंदी। हिम्मत बाहां कोटगढ़ दरवाजा बल्ब खीरी दी दोमां बाहां तो सखणियां अज भी वह मूर्ति उत्थे पई है। गुरु नानक साहब दे चरण पए उत्थे शब्द का अभ्यास हुंदा रहा। 10वें जामे विच हिम्मत पैदा होके साध संगत जगन्नाथपुरी तो आनंदपुर साहब आ गए। इहदा इतिहास होर भी है तुहानूं पता है हुण वक्त इन्ना नहीं मैं विस्तार विच कहां। 8वें पातशाह ने जिहदे सिर ते छटी रख के गुंगे कोलों अर्थ कराए सन उस गुंगे भाई छज्जू झीवर का पुत्र भाई हिम्मत राय 3 नंबर ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं सीस पेंट कर दे। साध संगत गुरु सिर ते छटी रख दे लोकां दीयां बुत्तियां करन वाले बादशाह बन जाते ने। ये मेरे गुरु की नजर हुई जिहड़ा लोकां दीयां बुत्तियां करके पानी पिलाउंदा सी जिन्हों गुंगा बहरा छज्जू झूर लोग कहिंदे सन। मेरे गुरु की नजर हुई समर्थ गुरु सिर हथ धरियो गुर किन्नी कृपा हर नाम दियो। उस छज्जू की कुल विच साध संगत भाई हिम्मत राय जी पैदा होए। 3जे प्यारे भाई हिम्मत राय 4था सीस मंगिया हथ जोड़ के एक सिर आके शीश चुका दिता। हजूर पुछते सिखा की नाम है महाराज मोकम चंद। सतगुरु बड़े खुश होए। मोकम का अर्थ हुंदा दृढ़ता। जिन्नी देर किसी दे अंदर दृढ़ता ना होवे वो ताकतवर बंदे भी हार जाते हैं। हिम्मतां वाले बंदे जंग विच हार जाते हैं जे दृढ़ता ना होवे। दृढ़ता अत्यंत जरूरी है। पातशाह ने बचन कह किहड़ी धरती तो आए हो। मोकम चंद बोलिया जी मैं द्वारका तो आया। पातशाह बड़े प्रसन्न होकर कलगीधर पातशाह बोले श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहन लगे ओ द्वारका जिथे लोकां विच दृढ़ता नहीं सी गुरु नानक दी नज़र नाल द्वारका चों दृढ़ता पैदा हो। द्वारका विच एक मंदिर है जी बड़ा हिस्टोरिकली मंदिर है उहदा नाम है रणछोड़ मंदिर। द्वापर दा अवतार मदन ने जंग विचों रण छड्ड के भज गया। जदों बसीमा टप्पिया राक्षस मुर उन्होंने बसीमे तो बाहर जाके मार दिता। उत्थे इतिहास लिखिया मंदिर के बाहर कृष्ण रण छड्ड के भजे रण छोड़ मंदिर है। मेरे गुरु नानक ने उस धरती ते ऐसा शब्द ते शस्त्र का अभ्यास दिता। एक दिन वक्त आया उस धरती तो दृढ़ता पैदा हो गई। कलगीधर पातशाह ने कहा लै मोकम चंद अज तेरा सीस लैके पंथ विच दृढ़ता भर देनी है। अज तो बाद मेरा कोई भी सिख मैदान छड्ड के नहीं भजेगा भावें 40 नूं 10 लाख नाल लड़ना पै जाए। सिख सीने विच गोलियां खाणगे पर मैदान छड्ड के नहीं भजणगे। साध संगत इतिहास है गुरु का खालसा कदे मैदान छड्ड के नहीं भजया। साध संगत ये दृढ़ता भाई मोकम चंद करके 5वां सीस गुरु ने मंगिया। एक सिख हथ जोड़ के सीस झुकाउंदा 80,000 के इकट्ठ विचों 40 तो वध 45,000 बंदा भज गया। गिनती के बंदे रह गए। सब हैरान सी आह गुरु सीस किवें मंगण लग पिया। अज तक भेटा दुशालियां रमालियां शस्त्रां दी चलदी रही है। शस्त्र तक भेटा भेंट करनी ठीक सी पर सिर कौन भेटा मंगदा है। वह भी गुरु एक एक ले जाके अंदर वढ़ रहा है। जदों 5वें सीस की मंग की पंडाल विचों कई कच्चे बंदे खिसक गए। साध संगत ये कच्चे बंदियां दा रस्ता नहीं ये बड़ा पक्याई वाला रस्ता है। पर तम पक्का भी बंदा वो हो सकता है जिहदी कंड उत्ते गुरु की कृपा होवे। गुरु की कृपा तो बगैर आपां पक्के भी नहीं हो सकते। कोई बंदा कहे ना मैं बड़ा पक्का जी रहत विच माफ करिओ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਰਹਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ 5ਵਾਂ ਸੀਸ ਜਦੋਂ ਮੰਗਿਆ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਦਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। हजूर कहते जिहदे विच 4 गुण आ जाण उहनूं सिफ भी जरूर मिलदी है। किहड़े 4 गुण पहला दया दूजा धर्म तीजी हिम्मत चौथी दृढ़ता। जिस बंदे दे अंदर 4 गुण होण ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ओनू दुनिया में सभी का मुकाम मिलता है। पातशाह ने कहा मेरे पंथ विच चार गुण आ गए ने, हुण सैबी लैण तो कोई रोक नहीं सकता। आ साहब चंद सीस भेंट कर मेरे पंथ का ताज बन के अज सज। हजूर ने 5वें नंबर ते सीस लिया, पूछया बिदर तो आया? हाँ महाराज। कलगीधर पातशाह कहंदे चलो द्वापर की अधूरी गल अज पूरी हो गई। महाराज किवें? सच्चे पातशाह ने कहा बिदर की धरती ते द्वापर के अवतार ने अलूणा साग खादा सी, बिदर की कुली अलूणा साग ही नहीं खादा, घड़े का ठंडा पानी भी पीता। जदों हस्तिनापुर का राजा दुर्योधन पुछदा जी सानू अमीर उच्चे रिश्तेदारां नूं छड्ड के बिदर नीच दे घर क्यों चले गए, ओहदी कुली विच की मिले? कृष्ण ने जवाब दिता तेरे महलां दी खीर ते बिदर दा लूणा साग मैनूं एक बराबर लगा, तेरे महलां दा दुध ते बिदर दी कुली दे अंदर ठंडा घड़े दा पानी मैनूं दुध ते पानी एक बराबर लगा। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी पढ़ो, इहदा जिक्र बाबा कबीर साहब ने किया, जिथे कहंदे ने कृष्ण जदों बिदर दी कुली विच रहे ये गल दुर्योधन नूं कही कि ऐ राजन याद रख तेरे अंदर अहंकार मान सी, पर तेरियां खीरां दे बराबर बिदर दा लूणा साग, तेरे दुध दे बराबर बिदर दा पानी। खीर समान साग मैं पाया, गुण गावत रहन बेहनी, कबीर को ठाकुर अंध बनोदी, जात ना काहू की मानी। कहन लगे मैं तेरे घर की खीर ते बिदर दा साग, मैनू अलूणा साग भी खीर वर्गा लगा। पर साध संगत भगती ते हंकार दी बराबरता वाली गल ते गलत हो गई ना, फिर भगती करन वाले दे बराबर इहदा मतलब राजा हो सकता है। पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी ने फिर निर्णय दिता नहीं, हर समान को हर समान नहीं राजा। चार छपेरे ढूंढ के वेख लो, रब दे नाम जपण वालियां दे बराबर कोई राजा नहीं हो सकता, कोई हर समान नहीं राजा। ये भूपत सब चार दिवस के झूठे करत दे वाजा। जदों गल मान देण दी आई, गुरु नानक साहब महाराज ने भाई लालो दा बिदर दा प्रशादा कला साध संगत नहीं छकिया, ये देखो इतिहास पढ़ के कला हजूर ने कोदरे दा प्रशादा ही नहीं छकिया। भाई लालो नूं कहा मैं बराबर नहीं कमांगा कि तेरा कोदरे दा प्रशादा ते मलक भागो दी खीर पूरे बराबर ने नहीं। भाई लालो तेरे ये बिदर कोदरे दे प्रशादे दे बराबर कदे भी उस मलक भागो दे पूरे जां खीर नहीं हो सकती। हजूर ने कहा किथे तेरे कोदरे दे अमृत वर्गे प्रशादे ते किथे जहर लोकां दी रत निचोड़ी होई देसी घिओ दे पूड़े। साहब ने कहा कदे बराबर नहीं हो सकदा। लै भाई लालो जिहड़ी गल द्वापर दे अंदर बिदर नूं बराबरता नहीं मिली, अज तैनूं असीं उचाई ते बराबरता दवांगे। कृष्ण ने साग ते खीर नूं बराबर दस्से, पर गुरु ने कोदरे दा प्रशादा ते मलक भागो दे पूड़ियां नूं बराबर नहीं किया। मलक भागो दा नाम गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच नहीं, भाई लालो दा नाम कई बार गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च लिखिया। इक्को शब्द वे साहब ने कहा जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसना करी ज्ञान बे लालो, पाप की जंजल है काबलों ताया, जोरी मंगे दान बे लालो, शर्म धर्म दो छप खलोए, कूड़ फिरे प्रधान बे लालो, काजियां बमना की गल थकी, अगत पड़े शैतान बे लालो। इन्नी वार गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी में लालो का नाम। पातशाह ने कहा जिथे दुनिया गुरु नानक नूं याद करेगी उत्थे भाई लालो तैनूं भी याद करेगी। गीता दे अंदर बिदर दा कोई जिक्र नहीं, पर गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी के अंदर यह याद रखियो साध संगत भाई लालो का कई बार जिक्र है। उस बिदर के नाम उत्ते शहर वसिया सी बिदर। साहब ने कहा बिदर द्वापर अंदर नीच रहा, पर बिदर की धरती तो आया साहब चंद, अज मेरे पंथ की शान बनेगा। लै साहब चंद सीस भेंट कर तू मेरे खालसा पंथ की सैबी बनेगा। पंजां दा सीस लैके खंडे वाटे की पौल छकाई, परत के पंजां नूं सुरजीत करके गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अमृत मंगिया। कलगीधर पातशाह ने खंडे वाटे की पौल पंजां तो लई, गोविंद राय तो गोविंद सिंह सज गए। उदन साहब ने बचन कहा खालसा मेरी जान की जान। हजूर ने कहा आ जिहड़ा अज पंथ खालसा सजे है ये मैनू जान तो भी प्यार है। उदन साहब ने कहा खालसा हमारी सौज, खालसा हमारी मौज, खालसा हमारी फौज जीत की निशानी है। उस दिन पंजा नूं साज के खालसा कह के बचन किया कि खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज। खालसा मेरो मुख है अंगा, खालसे केहों सत सत संगा। खालसा मेरो इष्ट सुहृद, खालसा मेरो कईयत विरद। हों खालसे का खालसा मेरो, ओत पोत सागर बंदे। जदों पातशाह ने इन्ना वड्डा मान दिता, उदों सिखा ने भी कहा वाह सच्चे पातशाह, अज तक इदां कदे नहीं होया। दुनिया के इतिहास में गुरु गुरु रहा ते चेला चेला ही रहा, पर पातशाह अज पहली बार होया महाराज तुसीं चेले नूं गुरु ते गुरु नूं चेला बना। वाह सतगुरु, वाह प्रगट्यो पुरख मर्द अगंबड़ा, बरियाम अकेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। वो पंजे खालसे फिर श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज तो कुरबान जाके कहते ने, भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरबट भागी पाया। सिमर मना राम नाम चितारे, वस रहे हिरदे गुरचरण प्यारे। अज दे दिन खालसा पंथ की सिरजना की, पंजा जणिया गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं खंडे वाटे की पौल छकाई। हजूर ने ऐलान किया अज तो बाद शस्त्र रहत है, केस रहत है। अज तो बाद कंगा कड़ा कृपान कशहरा सिख दी रहत है। अज तो बाद बिना अमृत तो कोई मेरा सिख नहीं।